रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का क्वेश्चन पेपर यहां पर आज होगा ताबड़तोड़ बौछार और ये सेट टू है, सिकंदराबाद से लिया गया क्वेश्चन है और आप इसको देखिए ताबड़तोड़ जो है गर्दा गर्दा मचाइए। चलिए पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने है कि धान में एक प्रसिद्ध रोग जो फेमस है जिसका नाम है खैरा रोग। अब कहेंगे आप कि खैरा रोग क्या होता है, आप देखेंगे धान की पत्तियों पर हल्का जो है पीला रंग के जो धब्बे बन जाते हैं, बाद में वो कत्थई हो जाता है। तो प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि बताइए ये किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, बताइए मेरे भाई। आप लोग पढ़ रहे हैं ताबड़तोड़, मुझे पता है आप लोगों का जवाब जो है ताबड़तोड़ आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो भैया यहाँ पर जवाब हो जाएगा जिंक, जस्ता की कमी के कारण, ठीक है ना, जस्ता की कमी के कारण जो है मतलब जिंक बोलते हैं उसको, क्या होता है भैया खैरा रोग होता है, किसमें, धान में, ठीक है ना। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि क्लोरोफिल, अच्छा मतलब हरित लवक, ठीक है, में कौन सा धातु पाया जाता है। इसको तो बच्चा बच्चा जो है कच्चा चबा के बताएगा, बताइए, बोलिए मेरे शेर जबाजों। यहाँ पर जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम, क्या होगा भैया मैग्नीशियम Mg, ठीक है, और 2.6% होता है। तो बस इतना जानिए कि हरित लवक मतलब हरित लवक में कौन सा धातु जो है पाया जाता है, तो बोलेंगे मैग्नीशियम, विकल्प में दिखाई देगा तो गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है। अच्छा वह कौन सा पादप हार्मोन है जो बौने पौधे को जो है लंबा कर देता है और फूल बनने में भी क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, बताइए वो कौन सा पादप हार्मोन है। इतना हार्ड आ गया, सिकंदराबाद से लिया गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में जब आएगा फिर से तो आप लोगों को फिर से गर्दा गर्दा मचाना है। आप लोग बोलिएगा जिबरेलिन, जिबरेलिन हार्मोन जो है पादप हार्मोन है वो क्या करता है कि पौधे बौना पौधा यदि होता है तो उसको क्या करता है लंबा कर देता है और फूल बनने में भी हेल्प करता है, ठीक है, जिबरेलिन, ठीक है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव, ओ ग्रीन इफेक्ट आ गया, ठीक है, हाउस ग्रीन इफेक्ट, बताइए मेरे भाई क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुने हैं ना, इसको तो बच्चा बच्चा जो है कच्चा चबा के खाएगा, बोलेगा CO2, सर्वाधिक जो है किसका योगदान होता है भैया CO2 का। अब बताइए मिनी माता रोग, ओ कठिन आ गया, मिनी माता रोग किसके कारण होता है बताइए, जल में मरकरी, जल में मरकरी के प्रदूषण से, ठीक है ना मेरे भाई, जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग जो है होता है, ठीक है, क्योंकि मरकरी मतलब HG जो होता है HG, ठीक है, वो जो है उसकी सांद्रता जो अधिक होती है, उसकी सांद्रता क्या होती है अधिक होती है, ठीक है ना, और जल में मरकरी के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है भैया, तो आप बोलिएगा मिनी माता रोग। देखो मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो सुनते सुनते याद हो जाए, ठीक है ना, ग्रुप डी में जब आएगा तो क्या करोगे पता है ना, गर्दा गर्दा मचाना है आप लोगों को। अब बताइए मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है बताइए, आपको आ रहा है बताइए, सोचिए कच्चा चबा के खाइए, बच्चा बोलेगा डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, अच्छा मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अरे आप लोग नहीं पढ़े हैं डर्मी डर्मी कुल कुल देखे होंगे प्रचार, ठीक है ना, यह एक ट्रिक है, मतलब आप लोग पढ़ लोगे मुझे पता है। अच्छा आप बताइए कीड़ों के अध्ययन, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, अब बताइए आप लोग पढ़े हैं बताइए जल्दी जल्दी, तो भैया यहाँ पे जवाब हो जाएगा एंटोमोलॉजी। अच्छा कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना, ताबड़तोड़ मेरे भाई रिविजन करते रहिए। अब बताइए मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, इसको तो बच्चा जो है ना कच्चा चबा के खा जाएगा क्वेश्चन को, कहेगा एपीकल्चर, क्या कहेगा एपीकल्चर, ठीक है, मधुमक्खियों का पालन भैया क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी का साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है सिकंदराबाद से लिया गया है, ये सेट टू है, ठीक है ना, आप लोगों के पास यदि यह वीडियो पहुँच गया है थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तो वीडियो बनाने का मज़ा भी कुछ और आएगा, ठीक है,
मैं फिर आऊँगा सेट 3 में। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।